आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक इनोवा चला रहे हो। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, एक उंगली से आप देख सकते हो। मैं पे जो डिजाइन लैंग्वेज यूज किया गया है सेंटर कंसोल का, यहाँ पे मेरे को लेफ्ट लेग में, एंड ये भी एक काफी सैड होने वाला बात है, टाइम आ चुका है आपको एक्सपीरियंस कराने का इसका पावर। मैं ये आपको जरूर अश्योर कर सकता हूँ कि जो माइलेज है वो आपको हमेशा खुश रखने वाला है। अभी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटो जनरल इंडिया। आज मैं मृणाल और हमारे साथ हैं इनोवा हाई क्रॉस जेड एक्स ऑप्शनल। ये है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट पहले की इनोवा से काफ़ी आगे बढ़ चुकी है ये, फीचर्स के मामले में भी, प्राइस के मामले में भी, और माइलेज के मामले में भी, चलाने के मामले में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपग्रेड हो चुकी है इस कार में। ओवरऑल प्लेटफॉर्म भी चेंज हो चुका है, पहले लैडर ऑन फ्रेम था, अब एक मोनोकोक TNGA प्लेटफॉर्म, जो टोयोटा बोलता है टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पे ये बेस्ड है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा राइड कंफर्ट एंड राइड क्वालिटी में डिफरेंस आ चुका है पहले के मुकाबले। तो सबसे पहले बात करते हैं राइड क्वालिटी की, तो क्योंकि इनोवा हाई क्रॉस, इनोवा इनफैक्ट इसीलिए जानी जाती थी, राइड क्वालिटी पहले से ज़्यादा स्टेबल लग रहा है सिटी में। बट लैडर ऑन फ्रेम चेसी ऐसा एक चेसी होता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्डकोर बीटिंग सह सकता है, तो ये लॉन्गर रन पे पता चलेगा कि ये वाला चेसी कितना अच्छा है उस वे में। हाउएवर जो बड़े पॉट होल्स हैं उसको अभी भी मेरे को लगता है जैसे क्रिस्टा मैनेज करता था उस हिसाब का ये मैनेज नहीं कर पा रहा है। बट नॉर्मल सिटी राइड अच्छा है, हाईवे राइड अच्छा है, कंपोज्ड है कार, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात अगर मैं करूं तो ये 2 लीटर इंजन है जो कि 188 BHP जनरेट कर लेता है। ये हाइब्रिड इंजन है, दो इंजन ऑप्शन आता है, एक पेट्रोल में भी और एक हाइब्रिड में, तो दिस वन इज़ अ हाइब्रिड। अनफॉर्चुनेटली अब डीजल नहीं आता है, अगर डीजल आता तो काफ़ी अच्छा होता, बट बिकॉज ऑफ एमिशन नॉर्म्स अब धीरे धीरे करके सारी कार्स डीजल इंजन बंद करने वाली है, एंड ये भी एक काफ़ी सैड होने वाला बात है। 0 to 100 अच्छे 11 सेकेंड में, 10.5 से 11 सेकेंड में ये कर लेता है, मैं दिखाऊंगा आपको करके। मीनवाइल एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पे इसके स्टीयरिंग व्हील में आ चुकी है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक इनोवा चला रहे हो। टोयोटा की कार्स में पहले हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता था, बट ये इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, एक उंगली से आप देख सकते हो। मैं बड़ा आराम से इसको टर्न कर ले रहा हूँ। पहले के मुकाबले शेप वेप में भी डिफरेंस आ रखा है, काफ़ी अब मैसिव लगने लगी है। इंजन एंड बोनेट आपको एक SUV जैसा दिखने लगा है, तो वो एक अच्छा पार्ट है। एंड सनरूफ भी मिलता है जो कि कभी इनोवा में मिला ही नहीं था, तो ये सारा कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉस्मेटिकली आपको अपग्रेड्स मिल गए हैं। ADAS फीचर आने लगा है, ADAS भी पहले से काफ़ी अच्छा, पहले तो आता ही नहीं था, बट पहले के मुकाबले अब XUV 7W को देखते हुए एक मार्केट में कंपटीशन आ चुका है, जिसकी वजह से ADAS दिया जा रहा है, तो वो एक काफ़ी अच्छा फीचर है। ZX एंड ZX ऑप्शनल का अगर आपने डिफरेंस नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके चेक करें, वहाँ पे मैंने बताया कैसे ADAS वर्क करता है, जहाँ पे एक ZX वेरिएंट आगे चल रही होती है एंड ZX ऑप्शनल पीछे चल रही होती है। काफ़ी सेफ्टी में इन्हांसमेंट हो चुका है, जो ये ADAS के फीचर्स हैं वो डेफिनेटली आपको एक सेफ ड्राइव प्रोवाइड करता है। अभी जैसे मैंने ऑन कर दिया है क्रूज कंट्रोल एंड लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी ऑन हो रखा है, तो ये सब चीज़ आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर देता है। इफ़ इन केस कभी आप थोड़ा सा बिजी हो या नींद में हो तो लॉन्ग ड्राइव पे काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और प्री कोलिजन वार्निंग भी है, इनफैक्ट इतना अच्छा वीडियो है, आप ज़रूर जाके उसे चेक करना। मीनवाइल मैं आपको दिखाता हूँ और क्या आपको आ जाता है एक हाइब्रिड। मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, बीच में डिस्टर्ब करते रहता है, तो इसको आप ऑफ़ भी कर सकते हो। अब मैं दिखाऊंगा आपको मोड्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ड्राइव मोड्स, जिससे आप चेंज कर सकते हो, MID में कुछ डिफरेंस आएगा एंड इंजन के परफॉर्मेंस और ड्राइविंग में भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है। MID में कुछ ऐसा चेंज आता है, जैसे आप नॉर्मल मोड पे शिफ्ट हो जाओगे तो ब्लू हो जाएगा। एंड करेंटली ये कार 14.1 का माइलेज दे रहा है, विच इज़ वेरी नाइस एंड डिसेंट फॉर दिस साइज ऑफ अ कार। हमने काफ़ी स्टॉप स्टार्ट स्टॉप भी किया है एंड वीडियो शूट हो रहा था, तो नॉर्मल रनिंग शॉट्स वगैरह भी लिए जा रहे थे, तो फिर भी 14.1 इज़ अ नाइस एवरेज। नाउ दिस इज़ द रेड बीस्ट मोड, जहाँ पे आपकी गाड़ी उड़ने को तैयार हो जाती है। तो उड़ने के लिए लोग मोस्टली इनोवा लेते नहीं हैं, बट स्टिल अगर हाईवे पे आपको ओवरटेक्स करने हैं तो वहाँ पे आप इसको आराम से स्पोर्ट्स मोड पर डालो और इन्जॉय करो इसका पावर। हाइब्रिड इंजन आता है इसीलिए यहाँ पर EV मोड में भी है। मोस्टली आप जब चेक करोगे तो EV मोड अनअवेलेबल ही दिखाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक है इसका सब कुछ और जो इंजन है वो खुद से ही चेक कर लेता है जब बैटरी
सफिशिएंट है, या फिर जब कार को उतना पावर नहीं चाहिए रहता है इंजन से, तो वो ऑटोमेटिकली स्विच कर देता है ईवी मोड में। तो ईवी मोड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अनअवेलेबल मिलने वाला है, वो ऑटोमेटिकली अपना स्विच करता रहेगा, और स्विच जब कर रहा होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जो नॉर्मल कार आती है इनोवा, जो पेट्रोल वाली आती है हाई क्रॉस, उसमें आपको मिल जाता है सीवीटी गेयरबॉक्स, बट इसमें ये जो गेयरबॉक्स है इलेक्ट्रॉनिक गेयरबॉक्स है एंड काफ़ी स्लीक एंड फास्ट है। आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको इंटीरियर कैसा लग रहा है। लेआउट तो अच्छा है यार, बट समहाउ मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो डिज़ाइन लैंग्वेज यूज़ किया गया है सेंटर कंसोल का, यहाँ पे मेरे को लेफ्ट लेग में बार बार हिट कर रहा है, तो कंफर्टेबल नहीं है। अगर मैं ऐसे करके चलाऊँ डेड पेडल पे रख के, तब तो इन दैट केस इट इज़ ओके, बट मैं ऐसे रख के कभी कभी चलाना प्रेफर करता हूँ, तो वहाँ पे ये डिस्टर्बिंग लगता है। यहाँ पे अगर एचयूडी भी होता, मेरा दोस्त आशीष वो बोल रहा था भाई इसमें ज़रूर से एचयूडी होना चाहिए था, कैमरी में आता है एंड टोयोटा को इसमें ये देना चाहिए था। तो मैं कहूँगा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाएगा टोयोटा की तरफ से, अभी के लिए सनरूफ से ही आप खुश हो लो, और धीरे धीरे शायद फ्यूचर में टोयोटा वो भी देगा। अब मीनवाइल मैं आपको थोड़ा सा पावर फील कराता हूँ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी स्पोर्ट्स मोड हैं, बट उधर से ट्रैफिक आ रहा है, तो एक बार को वो ट्रैफिक चला जाए, कम हो जाए, तो फिर मैं आपको स्पोर्ट्स मोड में कार कैसा परफॉर्म करती है, क्या ग्रंट है, क्या इंजन नॉइज़ है, वो दिखाऊंगा। मीनवाइल आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर्स मिल जाता है, विच इज़ रियली नाइस। प्लस एंड माइनस करके आप गियर शिफ्ट कर सकते हो, अपने कंट्रोल में चीज़ें ले सकते हो, तो वो एक अच्छा चीज़ है। चलाने के मामले में बहुत अच्छा लग रहा है, लग ही नहीं रहा है आप एक बड़ी कार चला रहे हो, आप एक एमपीवी चला रहे हो, मोर ओवर अब तो एसयूवी लगती है, वो लगेगा नहीं आपको, लगेगा एक कार ही चला रहे हो। सो दैट वे इट इज़ गुड। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा चीज़ मेरे को यहाँ पे ये लग रहा है कि ए पिलर की वजह से कोई ऐसा स्पॉट नहीं है जो मैं टर्न करते वक्त मेरे को दिक्कत दे। यहाँ पे आप देख सकते हो ए पिलर का पोजिशनिंग, एंड साथ में यहाँ पे क्वार्टर ग्लास जो बना रखा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी इंप्रूव कर देता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करता, तो दैट इज़ नाइस। एंड स्पीकर का भी पोजिशनिंग, ट्विटर का पोजिशनिंग अच्छा है। 3D सराउंड सिस्टम का फील ये भी देता है आपको, लेकिन एक्सयूवी में कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है, वो पता नहीं कितना अच्छा है, अगर आपको अच्छा लगता होगा तो बताना। सिर पे स्पीकर रहे मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे को ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे माइक दिया हुआ है। अब कार्स जा चुके हैं और टाइम आ चुका है आपको एक्सपीरियंस कराने का इसका पावर। ट्रैक्शन कंट्रोल मैं ऑफ़ कर दे रहा हूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल इज़ टर्न ऑफ, एसी मैं ऑफ़ कर दे रहा हूँ, सीट में भी आपको वेंटिलेशन है, एंड वी आर रेडी टू गो। 3, 2, 1। अभी भी थोड़ा सा सीवीटी इफेक्ट है, फाइनली जाके 100 पहुंच गया, अभी भी थोड़ा सा वो रबर बैंड इफेक्ट है जो कि लगता है कि पुश नहीं कर पा रहा है कार को, तो पेट्रोल इंजन होने की वजह से। अभी आगे कैमरा है इसलिए मैंने स्लो कर लिया, नहीं तो और अच्छा जा सकता था। तो ये थोड़ा सा रबर बैंड इफेक्ट मेरे को लगा, फिर से एक बार ट्राई करेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये रबर बैंड इफेक्ट है या नहीं है। मीनवाइल आप देख सकते हो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे आपको प्री कोलिजन वार्निंग भी ऑफ हो चुका है, एंड ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ होने की वजह से लेन कीप असिस्ट भी आपका ऑफ हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाता रहेगा नोटिफिकेशन में कि ये ऑफ हो गया, प्री कोलिजन ब्रेक सिस्टम ऑफ हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो गया, तो आपको वार्निंग्स देता रहेगा। तो मैं वापस से एक बार 0 to 100 ट्राई करता हूँ एंड देखते हैं क्या फिर से वही इफेक्ट रहता है जो पहले इफेक्ट आया करता था, जो पहले एक फीलिंग आया करता था जब 0 to 100 करो आप नॉर्मल इनोवा क्रिस्टा को, वो डीजल का जो टॉर्क आउटपुट था, बर्स्ट ऑफ पावर जो होता था, वो आपको सीट में पीछे को पुश कर देता था, वो वाला फील नहीं आया यार। तो एक बार और ट्राई करेंगे, बट फिर से ट्रैफिक है, ट्रैफिक चले जाने देते हैं एंड देन वील डू दैट। सो फिर से एक बार ट्राई करते हैं, 0 to 100 इन 3, 2, 1 गो। इनिशियल ग्रंट अच्छा है, बट नेक्स्ट जो है ना, ये अब ये जो सीवीटी इफेक्ट आ रहा है, ये पुश नहीं कर रहा है, मतलब स्पीड बढ़ रहा है बट बड़ा लीनियर सा है, तो मज़ा नहीं दे रहा यार। 100 क्रॉस कर गए हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था, बट समहाउ मतलब वो डीजल वाला फील नहीं है। दिस कार इज़ कम्प्लीटली फोकस्ड टुवर्ड्स बेटर माइलेज, बेटर रिफाइनमेंट, बेटर कम्फर्ट। तो मे बी आपको चलाना उतना पसंद ना आए जितना पसंद आता था क्रिस्टा, क्रिस्टा भी लोग चलाना उतना पसंद नहीं करते थे, बट एटलीस्ट वो डीजल ग्रंट था, मज़ा आता था। अभी मैं ट्रैक्शन कंट्रोल अब ऑन कर दिया वापस से, और सारे फीचर्स ऑन हो चुके हैं एडास वाले। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो पेडल शिफ्टर है उससे कैसे आप इंजॉय कर सकते हो, जैसे
आप स्विच कर लेता है ईको से डायरेक्टली, हाइब्रिड से डायरेक्टली पेट्रोल में स्विच कर लेता है। अभी आपको लग रहा है आपको ओवरटेक करना है, आपने ड्रॉप किया दो गियर एंड फिर ओवरटेक कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा किकबैक वाला फील दे सकता है, बट पावर अच्छा है, पावर आउटबर्स्ट अच्छा है, बट लीनियर है, मज़ा नहीं आएगा आपको इसको पुश करने में। रादर यू वुड इंजॉय दिस कार व्हेन यू आर ड्राइविंग इट वेरी सेडेटली, वेरी कंफर्टेबली। मैं दावा कर सकता हूँ एंड मैं ये आपको ज़रूर अश्योर कर सकता हूँ कि जो माइलेज है वो आपको हमेशा खुश रखने वाला है। अभी भी देखो आप 14.1 का एवरेज हमें मिल रहा है, विच इज़ रियली नाइस, रियली डिसेंट। ईको स्कोर तो डेफिनेटली डाउन हो गया है क्योंकि हमने ईको वो वाला इंडिकेटर्स को फुलफ़िल नहीं किया है, काफ़ी खुल के चला रहे हैं जैसे चलाना चाहिए आपको रिव्यू देने के लिए। बट या दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव, ऐसा मुझे लगा चला के। कंफर्ट वाइज देखो आप, इधर को भी है फ्रंट में, दोनों साइड में आपको मिल जाता है वेंटिलेटेड सीट्स। मेरे को लगता है वेंटिलेटेड सीट्स पीछे भी होना चाहिए था क्योंकि मोस्टली जो हाई क्रॉस या इनोवा के ओनर्स होते हैं वो पीछे ही बैठते हैं, तो पीछे भी अगर होता जैसे सफारी में आ रहा है तो ये दिया जा सकता था। अदरवाइज़ आई रियली लव दिस कार। अब जैसे ट्रैफिक में आ चुके हैं तो टेंशन नहीं है मुझे, ज़्यादा फ्यूल जलने वाली नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली ये खुद को हाइब्रिड मोड में, ईवी मोड में स्विच कर लेगा। तो या दैट्स इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अब भी देख लो आप, खड़ी है गाड़ी, मतलब चल नहीं रही है, ईवी मोड में आ चुकी है, कोई आवाज़ नहीं है। वही मैं अगर इसको रेव करता हूँ तो मैं आपको रेव करके भी दिखाना चाहूँगा कि कैसा आवाज़ या वाइब्रेशन आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स हैं तो कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा आपका वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, खुद से ही स्विच कर ले रहा है। सो गाइज, अभी पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा मुझे क्योंकि मेरा इनोवा हाई क्रॉस का फ्यूल ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल ईको मोड में रखा हूँ मैं। और बहुत बार ईवी में स्विच कर करके मेरे को इतना तो अश्योर कर सकता हूँ मैं, आपको भी इतना मैं बोल सकता हूँ कि आप कहीं स्टक होते हो तो 1-2 किलोमीटर तक आप पहुँच जाओगे, लेकिन यहाँ पे लंबा जाम दिख रहा है। क्या होगा, इधर ही मैं रह जाऊँगा क्या गाइस? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। फिर से स्विच किया है अभी ईवी मोड में एंड थैंकफुली मैं पहुँच जाऊँगा पेट्रोल पम्प सेफली। बट ये एक अच्छा चीज़ मुझे लगा, बहुत ही अच्छा चीज़ लगा कि मैं वहाँ ट्रैफिक में स्टक था और ईवी मोड में स्विच कर लिया था, एक रेड लाइट था और कार मेरे को यहाँ तक ले आई। सम हाउ मैं पहुँच चुका हूँ ईवी मोड में पेट्रोल पंप तक, इतना तेल है जो मेरे को यहाँ तक पहुँचा दे, बट ईवी मोड ही वो एक चीज़ था जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ आज। थैंक यू टोयोटा फॉर दिस हाइब्रिड पावर ऑप्शन। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइब कर रखे हो तो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस अगेन एंड डू लेट अस नो, कोई अगर डाउट है आपको, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हो। सो विद दिस आई थिंक इट्स टाइम टू गो, टाइम टू एंड द वीडियो एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।